सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोया मैम केमिस्ट्री। सो बच्चों, इट्स अ थर्ड लेक्चर ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट रिकैप लेते हैं। सो वी स्टडीड अबाउट VVT, जहाँ पर हमने SP3, SP2 और SP हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीखा था, ठीक है। उसके बाद हमने उसका रिलेशन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ देखा, है ना, जहाँ मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज एज कैरेक्टर बढ़ेगा, है ना, तो उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, राइट। देन हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो तो उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता कर सकते हैं, जहाँ मैंने आपको बोला था कि अगर कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है 4 एटम से सो दैट विल बी SP3, 3 एटम से तो SP2 और 2 एटम से तो वो होगा आपका SP हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स आपके कैसे बनते हैं, हेड ऑन हेड ओवरलैप से और आपका लेटरल ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनता है, ठीक। उसके रोटेशन के बारे में बात करी थी कि फ्री रोटेशन इज पॉसिबल इन सिग्मा बॉन्ड्स, लेकिन पाई बॉन्ड्स में फ्री रोटेशन नहीं होता, ठीक। अगर आप कोशिश करोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, राइट। देन हमने डिस्कस किया था जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको हम रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से पहला था आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेकेंड वन वॉज कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, थर्ड था आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और फोर्थ था आपका 3D रिप्रेजेंटेशन, ठीक। तो पिछली क्लास में हम ये ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और एक बार ज़रूर वीडियो को चेकआउट करिए। चलिए बच्चों, तो आज हम शुरुआत करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आगे से, और हम अब कोशिश करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, देखो अभी तक हमने क्या क्या बातें सीख ली, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं आपको पता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी आपको पता है, लेकिन अभी कितने तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अभी हमें ये नहीं पता है ना। सो देर आर सो मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए हमें उन्हें पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा, है ना, बिकॉज रैंडमली हम ऐसे अगर पढ़ने जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। सो लेट अस क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन कर रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, एक बार फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक मैंने लिखा है एलिफैटिक और दूसरा लिखा है यहाँ पर साइक्लिक, ठीक। अब एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे, एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जहाँ पर आपका या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रेट चेन हो या फिर ब्रांच्ड चेन भी हो सकती है, लेकिन बस साइक्लिक रिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एलिफैटिक के केस में कि यहाँ पर आपके पास स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन हो सकती है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लिखूँ यहाँ पर आपके सामने कुछ एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, सो वी कैन राइट CH3CO CH3, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर CH3CH2CH2CH3, ठीक। हम लिख सकते हैं CH3CH CH3CH CH3CH3, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है एक्सेट्रा लिख दीजिए, क्योंकि बहुत दुनिया भर के आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पर हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जहाँ पर या तो स्ट्रेट चेन हो या तो ब्रांच चेन हो, ठीक है। तो या तो स्ट्रेट चेन भी हो सकती है या फिर ब्रांच भी हो सकती है, उसमें ब्रांचेस भी हो सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको ब्रांचेस का दिखाया, ठीक है। तो ये सारे आपके एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएंगे, याद रखना कोई रिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड, अगर हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट, वो है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नाम से समझ में आ रहा है कि भाई वहाँ पर कोई भी रिंग नहीं होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर अब हमें रिंग ही चाहिए, ठीक है। तो साइक्लिक का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास साइक्लिक रिंग ज़रूर 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 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो जितने भी ऐसे कंपाउंड्स होंगे, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जहाँ पर आपका एक रिंग आ जाए, ठीक है, एक साइक्लिक रिंग आ जाए, वो सारे हम इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रेट चेन है या फिर ब्रांच चेन है वो हम कहेंगे वो है एलिफैटिक आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलिए बच्चों, अब हम इस साइक्लिक को, बिकॉज मैंने यहाँ पर सिंपली कह दिया कि भाई साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिंग होनी चाहिए, बट अब आपको पता है कि रिंग तो बहुत टाइप के हो सकती है ना। हो सकता है कि आपकी रिंग है वो एक 3-मेंबर्ड रिंग हो सकता है वो 4 हो, 5 हो, 6 हो, है ना। हो सकता है वो रिंग आपके सिर्फ कार्बन से बनी हो सकता हो कार्बन के अलावा कोई और एटम्स भी हो। तो हम फर्दर इसको क्लासिफाई करते हैं और हम देखते हैं कि साइक्लिक रिंग वाले जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको फर्दर मैंने क्लासिफाई किया दो कैटेगरीज में।
एक को मैंने कहा होमोसाइक्लिक और एक को मैंने कहा हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, होमो का मतलब आई थिंक आप सभी को पता है, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो इसके नाम से समझ में आ जाएगा कि ऐसी साइक्लिक रिंग, ठीक, जहां पर सारे के सारे जो एटम्स है ना वो सेम है, और सेम कौन से, कार्बन है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपके वो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन्स, साइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन्स ओनली कार्बन। ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो आपके कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिसमें साइक्लिक रिंग हो और उस रिंग में सिर्फ कार्बन ही कार्बन हो। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक क्या हो जाएंगे, हेट्रो मतलब डिफरेंट, अब कार्बन से अलग होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन नहीं होगा, अरे भैया कार्बन तो होगा तभी तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कार्बन भी, हमें चाहिए रिंग भी, और हमें चाहिए कोई डिफरेंट एटम भी। ठीक है, तो कार्बन के अलावा कुछ हम डिफरेंट एटम्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारे कंपाउंड्स आपके कहलाएंगे हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक को हम यहां पर लिख सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक का क्या हो गया कि साइक्लिक रिंग तो है, साइक्लिक रिंग कंटेनिंग कार्बन एज वेल एज अदर हेटरो एटम्स। ठीक, अब मैंने यहां पर क्या लिखा है, ऐसी साइक्लिक रिंग जहां पर कार्बन तो हो, कार्बन तो होंगे, लेकिन कार्बन के साथ साथ कोई दूसरा अदर हेटरो एटम भी हो। अब ये हेटरो एटम क्या होता है, यहां पर अगर मैं एग्जांपल आपको लिखवा दूं तो आप फटाफट एग्जांपल लिख लीजिए। ये हेट्रोसाइक्लिक जो है ना, ये पूरी एक आपका चैप्टर है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम धीरे धीरे आगे जाकर पढ़ेंगे, अभी आप यहाँ पर एग्जांपल लिख सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। इसके लिए आपका जो एग्जांपल है वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, तो ये अगर आपको हेट्रो एटम्स दिख गए तो आप समझ जाना कि वो आपके हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। चलिए फर्दर क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को अगर मैं फर्दर क्लासीफाई करूँ तो हम कह सकते हैं कि होमोसाइक्लिक एलीसाइक्लिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। अब ये एलीसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, देखो एलीसाइक्लिक कंपाउंड्स आपके ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, एलीसाइक्लिक आपके ऐसे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जहां पर इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो कहीं ना कहीं इस एलिफैटिक से रिजेंबल करती है, तो उसी के हिसाब से नाम हमने रखा। देखो एलीसाइक्लिक वो है एलिफैटिक। ठीक है, तो हमने इसीलिए कहा कि यहां पर जो भी आपके साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, और कैसे साइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो भी होंगे वो उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कहीं ना कहीं रिजेंबल करती है एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। सो यू कैन राइट हेयर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में दैट होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स दैट रिजेंबल्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज विद एलिफैटिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्या लिखा मैंने, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आपके वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जो रिजेंबल करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में किसके साथ, एलिफैटिक कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू एरोमेटिक। अब एरोमेटिक तो पूरा एक आपका चैप्टर है और बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे आप मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हायर लेवल या लोअर लेवल कुछ भी आप तैयारी करो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है एरोमेटिक किससे बना है, एरोमा, और एरोमा का मतलब क्या होता है, एरोमा का मतलब है कि एक अच्छी फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी फ्रेग्रेंस अच्छी होती है, ठीक है, दे हैव गुड एरोमा एज वेल एज, यहाँ पर एक नया टर्म आता है एंड दैट इज कि यहाँ पर जो आपके जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे ना उनमें डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह नहीं बैठे रहते, वो एक जगह से मूव करते रहते हैं, और उसी मूवमेंट को हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिटेल में हम अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे,
अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके वो कंपाउंड्स हैं, ठीक, यहाँ पर हम होमोसाइक्लिक की बात कर रहे हैं। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके वो कंपाउंड्स हैं विच हैव एरोमा एंड हैव डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच हैव एरोमा एंड हैव डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह ना रह के वो डीलोकलाइज होता रहता है, ठीक है, एक जगह से मूव करता रहता है। कोई बात नहीं, अभी देखो मैंने किसी एग्जाम्पल से आपको नहीं समझाया है, ठीक, अभी मैं एक बार सिर्फ क्लासिफाई कर लूँ, फिर मैं हर एक क्लासिफिकेशन के आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर जरूर लिख पाऊंगी, ठीक है। अभी अगर इसी पेज में लिखेंगे तो बहुत हॉट पॉट हो जाएगा, ठीक है, तो एक बार बस मुझे इस पेज में समझा लिख दीजिए एक बार आप, फिर हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो हमने क्लासिफिकेशन किया एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक का, तो एलिसाइक्लिक वो हो गए जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड से रिजेंबल करेगी, एरोमेटिक वो हो गए जिनमें एक अच्छा एरोमा है और जहां पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। अब इस एरोमेटिक को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं और हम क्लासिफाई करते हैं इसको बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। बेंजोनॉइड का मतलब होता है कि एक बेंजीन रिंग, जहां पर आपके पास प्रॉपर बेंजीन रिंग आ जाए, ठीक, बेंजीन रिंग तो आपको पता है ना, बेंजीन रिंग आपका क्या है, दिस इज योर बेंजीन रिंग, ठीक है, तो एक प्रॉपर ऐसा बेंजीन रिंग, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपको पता है कि ये दोनों बेंजीन ही है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये यहाँ पर मूव करके गए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव हुए, और यही आपका सिंपल ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो बन चुका है, ठीक है। तो जितने भी ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो एरोमेटिक हैं, जो होमोसाइक्लिक हैं और जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, उनको हम कहेंगे बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर्स, जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है वो है नॉन बेंजोनॉइड, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए बेंजोनॉइड वो हो जाएंगे विच हैव बेंजीन रिंग, ठीक है, जिनमें बेंजीन रिंग आपकी प्रेजेंट, ठीक है, और इसमें डज नॉट हैव बेंजीन रिंग, ठीक है बच्चों। चलिए अब फर्दर हमने देखा कि ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे ना, इनको भी हमने उन्हीं दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक मैंने एलिसाइक्लिक बोला है और एक एरोमेटिक बोला है, तो कहानी अभी भी सेम ही है, ठीक। अभी जब हमने होमोसाइक्लिक में बात करी थी तो हम बात कर रहे थे कि भाई जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एलिफेटिक से रिजेंबल करें। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिसाइक्लिक का मतलब तो सेम रहा ना, तो एलिसाइक्लिक का मतलब अब हो जाएगा कि ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबल करें एलिफैटिक वालों से, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपकी सेम रहती है, बस यहाँ पर होमोसाइक्लिक था, यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। एरोमेटिक सेम रहा डेफिनेशन, कि जिनके पास एरोमा है और जहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, बस ये हम बात कर रहे थे होमोसाइक्लिक में, और यहाँ पर हम बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। बताइए एक बार आपको जितने भी मैंने क्लासिफिकेशन करी उस क्लासिफिकेशन में आपको एक बार डेफिनेशन समझ में आई कि आखिर हम किसकी क्या बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल अभी मैंने नहीं बताया है, ठीक, एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, जस्ट वेट करिए। आप इतना बताइए आपको यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है क्या, ठीक। अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा कि मैम हमें ये वाला पार्ट जो है वो समझ नहीं आया, ठीक है, मैं वहीं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। फटाफट देख लीजिए और बताइए अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो। चलिए बच्चों, अब इस क्लासिफिकेशन में मैंने जो भी आपको कंपाउंड्स बताए उसके मैं एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आ पाए, ठीक है। तो एलिफैटिक का तो मैं एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, आते हैं हम डायरेक्टली साइक्लिक पर। तो साइक्लिक तो मतलब सिंपल हो गया कि भाई कि कोई भी ऐसा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कैसी भी साइक्लिक रिंग हो, ठीक है, 3, 4, 5, 6 कैसी भी मेंबर्ड रिंग हो, ठीक है, तो आप कुछ भी यहाँ पर बना सकते हो। अगर मैं बना दूँ यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, या फिर 4-membered रिंग हो गया, या आपका बेंजीन हो गया, कुछ भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, एक्सेट्रा, कोई भी साइक्लिक रिंग, ठीक है। अब साइक्लिक में मैंने क्लासिफाई किया है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो में मैंने कहा कि सिर्फ कार्बन होने चाहिए, ठीक है, ओनली कार्बन वी कैन हैव, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई सिर्फ कार्बन है ना, देखो, ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिर्फ कार्बन है ना, ठीक, सिर्फ कार्बन है ना, यहाँ पर ये मैंने 6-membered, ये 3-membered, ये 4-membered कुछ भी ले लिया है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक की बात करें तो अब यहाँ पर आपके पास कार्बन तो होना चाहिए बट साथ में आपके पास कोई हेट्रो एटम भी होना चाहिए, इट कैन बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल लिख सकते हो कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर नाइट्रोजन ले लिया आपने, ठीक है, या फिर हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हमने इस तरीके से सल्फर ले लिया, ठीक। तो ये आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जहाँ पर कार्बन के अलावा, ठीक है, रिंग भी है,
कार्बन भी है और हेट्रो एटम भी है, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक को फर्दर क्लासिफाई किया एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक वो हो जाते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, अप्रोक्सीमेट है ना एलिफैटिक के जैसे। तो इनमें हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ये जो एग्जांपल्स लिखे ये सारे के सारे एलिसाइक्लिक में भी फिट बैठेंगे, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं वो आपके एलिसाइक्लिक के भी एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं एरोमेटिक की बात करूँ तो यहाँ पर तो एरोमेटिक कंपाउंड्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं अगर एग्जाम्पल लिखूँ तो यहाँ पर आपका होना चाहिए, या तो हम लिख सकते हैं बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग आपको पता है एरोमेटिक होता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से ये बातें क्लियर होंगी, तो थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। तो ये हमने एक एरोमेटिक कंपाउंड लिख दिया जिसमें सिर्फ कार्बन है, ठीक। बाकी अगर आपको और लिखने हैं तो हम यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया एक 7-membered रिंग इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये भी एक एरोमेटिक रिंग है, ठीक। तो एरोमेटिक है जिसमें सिर्फ कार्बन है और साइक्लिक है, तो ये आपका इस कैटेगरी में आ जाएगा। अब एरोमेटिक को मैंने फर्दर बोला बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन रिंग्स होनी चाहिए, यहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल लिख लो भाई बेंजीनोइड के, कि अगर हम यहाँ पर बेंजीन रिंग लिख रहे हैं, एक ये एग्जांपल हो गया, या फिर हमने बेंजीन पर यहाँ पर लगा दिया NH2, ठीक है। या फिर हमने यहाँ पर लिख लिया कि एक बेंजीन रिंग है और ये एक और बेंजीन रिंग से इस तरीके से फ्यूज है, तो ये हमारे हो गए बेंजीनोइड के एग्जांपल्स, ठीक है। ये सारे एरोमेटिक भी है, सब में सिर्फ कार्बन ही है, मैं कह रही हूँ रिंग के अंदर। अरे बाबा ये गलती मत कर देना, क्या लिखा है होमोसाइक्लिक, होमो मतलब सेम, सारे कार्बन होने चाहिए रिंग में। अब मुझसे ये मत बोलने लग जाना मैम आपने तो नाइट्रोजन लिख दिया, अरे नाइट्रोजन रिंग के बाहर है, ठीक है। हम कार्बन की यहाँ पर रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिंग में तो सिर्फ कार्बन है ना, नाइट्रोजन बाहर है उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक। वी आर टॉकिंग अबाउट रिंग, ओके जी। नॉन बेंजोनाइड की बात करें मतलब आपका ऐसा सिस्टम जो कि एरोमेटिक तो हो, ठीक है, और जिसमें सिर्फ कार्बन भी हो लेकिन वो एक बेंजीन रिंग ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर एग्जांपल लिख सकते हैं, जो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया ये बिल्कुल यहाँ पर फिट बैठेगा हमारा, ठीक है। ये एक एरोमेटिक सिस्टम भी है हमारा, इसमें सिर्फ कार्बन भी है और ये हमारा बेंजीन रिंग भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक नॉन बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर में यहाँ पर आ सकता है, इसको बोलते हैं हम ट्रिपोलियम कटायन। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे एरोमेटिसिटी में, डोंट वरी, हम इसको अच्छे से डिटेल में जानेंगे। चलिए हेट्रोसाइक्लिक हम एग्जांपल आपको बता ही चुकी थी, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, चलिए अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे उसके मैंने एग्जांपल आपको बता ही दिए थे, इसको भी फर्दर हम क्लासिफाई कर रहे हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में, ठीक। अब यहाँ पर मेरे पास कार्बन के अलावा हेट्रो एटम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं एलिसाइक्लिक, मतलब जहाँ पर आपका कोई भी डीलोकलाइजेशन ना हो, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज इसके जैसे रिजेंबल करती हैं। तो यहाँ पर जो हमने ये वाला एग्जांपल लिखा था ना, ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर फिट कर जाएगा, ठीक है। या फिर अगर हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख लें कि भाई एक 6-membered रिंग लगा लें और यहाँ पर हम लगा लेंगे, ठीक है, ये भी यहाँ पर फिट बैठेगा। इसको हम बोलते हैं पाइरोलिडीन, इसको हम बोलते हैं पिप्रीडीन, ठीक। अभी मैं लिख नहीं रही हूँ बिकॉज जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको हर एक एक बात समझ में आएगी, ठीक। अभी मैं सिर्फ क्लासीफाई आपको कर रही हूँ। एरोमेटिक की बात करें भैया तो ये जो है ना एकदम परफेक्ट एरोमेटिक सिस्टम है हमारा, ठीक है। दिस इज एरोमेटिक सिस्टम। सल्फर की जगह अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दूँ तो ये भी आपका एक बढ़िया एरोमेटिक सिस्टम है। यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दूँ तो ये भी आपका एक एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं थायोफीन, इसको बोलते हैं पाइरोल, इसको बोलते हैं फ्यूरान, ठीक है। अभी मत ये करिए कि मैम लिखा नहीं आपने नाम, रुक जाओ बाबा, ठीक है, धीरे धीरे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो नाम लिख लिख के ही बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। चलिए बच्चों, तो मैंने कोशिश करी कि जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं हम उसे क्लासिफाई करें, ठीक, और उसके मैंने एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको हर एक बात बता दी है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्योंकि ब्लैक कलर ही यूज़ किया है तो आई थिंक थोड़ा सा आपको मतलब प्रॉब्लम आ सकती है ना, कि मैम कहाँ का एग्जाम्पल कहाँ है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिए क्लास में, क्योंकि मैं साथ साथ बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो आपको कम से कम ये भी तो दिमाग में घुसना चाहिए ना, ठीक है। तो अंधाधुंध नहीं काम करिए, ठीक है, जो जो मैं बता रही हूँ साथ साथ आप उसके नोट डाउन करते जाइए एग्जांपल्स को, ठीक। मैं कोई और कलर यहाँ पर नहीं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैंने ट्राई करके देखा है वो मतलब पता नहीं लाइट की रिफ्लेक्शन ऐसी है कि वो कलर इतना प्रॉपरली विजिबल ही नहीं होता, फिर आप वही कहोगे मैम दिख नहीं रहा दिख नहीं रहा, ठीक है, इसलिए मैं ब्लैक कलर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो भैया मेरे कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगी, डोंट वरी। चलिए बच्चों, अब जो हम स्टार्ट करेंगे ना वही है हमारी मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
ठीक, जहां पर हम बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। ठीक, अब ये फंक्शनल ग्रुप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान से देखिएगा फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर फंक्शनल ग्रुप्स हैं क्या, राइट? देखिए, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप्स है ना, ये क्या होते हैं? इट कैन बी एनी एटम, ठीक, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि एक स्पेसिफाइड मैनर में एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ठीक है, और वही रेस्पॉन्सिबल होता है उनकी करेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। चलिए एक बार फटाफट नोट डाउन करिए कि फंक्शनल ग्रुप्स आखिर आपके क्या हैं। सो दे मे बी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट आर कनेक्टेड इन अ स्पेसिफाइड मैनर। And are responsible for the characteristic chemical properties. अब ये क्या क्या लिख दिया भाई, समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या लाइन लिख दी है। कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज, कोई बात नहीं बच्चों, रुको रुको रुको, ठीक है, इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया है, बिल्कुल आपका फेवरेट एग्जाम्पल है, मुझे पता है बहुत अच्छे से, है ना, और वो है आपका अल्कोहल, ठीक है, लेकिन फेवरेट होना नहीं चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर मैंने अल्कोहल का जो ग्रुप है वो लिखा है OH, ठीक। हमने क्या कहा, मे बी एटम, या तो एक सिंगल एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, तो मैंने यहाँ पर लिया है OH, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ एटम है। That are connected in a specified manner, जो कि एक specified manner में ही connect होते हैं। मतलब यहाँ पर OH लिखा है तो आप OH ही लिखोगे, आप HO नहीं लिख सकते हो। तो जिस वे में हमने कनेक्ट किया है ना, उसी स्पेसिफाइड मैनर में वो कनेक्ट होंगे, ठीक है। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये जो एल्कोहल का, अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लें, ठीक है, तो एल्कोहल, अगर वो एल्कोहल है तो सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे ना, वो सेम होंगी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पर लिया है मेथनॉल, मेथनॉल मतलब जहां पर सिर्फ आपका एक कार्बन है, ठीक, फिर आप ले लो एथनॉल जहां पर आपके दो कार्बन है, ठीक, फिर आप ले लो प्रोपेनॉल जहां पर आपके पास तीन कार्बन है, ठीक, तो है क्या ये तीनों के तीनों है तो एल्कोहल ना, है तो इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है तो OH, तो तीनों के केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, ठीक, लेकिन डिफरेंस है भाई इन तीनों में। डिफरेंस क्या है कि एक में सिर्फ एक कार्बन था, एक में दो कार्बन, एक में तीन कार्बन, आई बात समझ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स की, ठीक, जो एक स्पेसिफाइड मैनर में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो एक बेसिक सा एग्जांपल लिया मैंने OH का, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल लूँ अगर मैं, तो सेकेंड एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं CHO, ठीक है, CHO क्या होता है, यह है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल लिखे हम यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं COOH, ये क्या है आपका, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो भाई इसी तरीके से ये कनेक्ट होंगे, C फिर O फिर O फिर H, आप इसको चेंज नहीं कर सकते कि C पहले लगा दो, H लगा दो, फिर अपनी मर्जी से O लगा दो, ठीक है। तभी मैंने कहा कि दे आर कनेक्टेड इन ए स्पेसिफाइड मैनर, एग्जैक्टली यही आपको मैनर में कनेक्ट करना होगा। आगे बात समझ। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप्स है ना, ये हद इंपॉर्टेंट है, मतलब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आगे आने वाले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपकी कंप्लीट, उसमें यही फंक्शनल ग्रुप्स बार 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 आएंगे, और इन्हीं के बारे में हमें बहुत तरीके से समझना है। हमारा पूरा एक चैप्टर है इस एल्कोहल पर, हमारा पूरा चैप्टर है इस एल्डिहाइड पर, हमारा पूरा एक चैप्टर है इस कार्बोक्सिलिक एसिड पर। तो समझ रहे हो आप, यही फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आगे चल के हमें पूरे चैप्टर में कन्वर्ट करने वाले हैं, मतलब इसके अंदर बहुत कुछ है जो पढ़ना है हमें, ठीक है। अभी ये सिर्फ हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप से एक बार फटाफट रिव्यू लेते हैं कि आखिर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक, और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक। चलिए बच्चों, हमने यहाँ पर इतने सारे फंक्शनल ग्रुप्स लिख दिए हैं, तो एक बार फटाफट देखते हैं कि आखिर यहाँ पर इनके फंक्शनल ग्रुप के क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। सबसे पहले मैंने लिखा है एल्केन्स, इसका मतलब हम समझ गए कि यहाँ पर आपके कार्बन हाइड्रोजन होगा, ठीक, और यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा,
ठीक है, एल्कीन्स की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आएंगे, एल्काइन्स की बात करें तो यहाँ पर आपके ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, राइट। एरीन्स, एरीन्स मतलब कि आपके ऐसे एरोमेटिक रिंग्स, ठीक, जहां पर आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है किसका, बेंजीन का, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आपका एक एग्जाम्पल बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट है हैलाइड्स, मतलब आपके कोई भी हैलोजेंस यहाँ पर आ सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली एक्स से, ठीक है। और एक्स आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो इस तरीके से हम हैलाइड्स को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एल्कोहल्स, जो मैंने आपको जस्ट बताया कि भाई हाइड्रोक्सी ग्रुप लगता है, ठीक, एल्डिहाइड जिसमें आपका सी एच ओ ग्रुप लगता है, कीटोन जहां पर आपका सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां से आपके कोई भी आर ग्रुप जुड़े होंगे, ठीक, यहां से आपका कोई भी कार्बन चेन हो सकता है, बीच में सी डबल बॉन्ड ओ होता है, ठीक, तो ये हो गया आपका कीटोन। नेक्स्ट है आपके पास नाइट्राइल्स, मतलब कि यहाँ पर आपका होता है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक, इसको हम नाइट्राइल भी बोलते हैं और साइनाइड भी बोलते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो नाइट्राइल्स या फिर साइनाइड, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ईथर, ठीक है, ईथर क्या होता है आपका, ईथर हो जाएगा आपका आर ओ आर। अब ये आर क्या है, आर मतलब आपका कोई भी यहाँ पर कार्बन चेन हो सकता है, कुछ भी, ठीक, तो इस तरीके से अगर आपको मिल जाए आर ओ आर, ठीक है, सी एस थ्री ओ सी एस थ्री हो सकता है, कुछ भी मिल जाए, सो दिस इज नोन एज ईथर। नेक्स्ट है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है सी ओ ओ एच ग्रुप होगा। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलेट आयंस, मतलब वही हम क्या करेंगे, इस एसिड में से एच हटा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलेट आयन। नेक्स्ट है एस्टर, तो एस्टर हम लिख सकते हैं सी ओ ओ आर, ठीक, आर कैन बी एनी कार्बन चेन, ठीक, आर आपका कोई भी कार्बन चेन हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा है मैंने यहाँ पर असाइल हैलाइड, ठीक है, तो असाइल हैलाइड क्या हो जाएगा, असाइल हैलाइड विल बी सी ओ एक्स, ठीक, ध्यान से देखो असाइल हैलाइड मतलब क्या हुआ, एक तो यहाँ से जुड़ गया है आपका हैलाइड, कि कोई ना कोई हैलोजन एटम्स यहाँ से जुड़े होते हैं, ठीक, और हमने यहाँ पर लिखा है असाइल, असाइल का मतलब सी ओ ग्रुप आपका जरूर प्रेजेंट होगा, ठीक, तो मैंने लिखा है कि सी ओ एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स आपका अगेन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक, दिस एक्स कैन बी एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास अमीन, अमीन आपका हो सकता है एन एच टू, ठीक है, या फिर अगर एक एच को रिप्लेस कर दें हम और यहाँ पर हम आर लगा दें, ठीक है, या फिर एक और एच रिप्लेस कर दें और यहाँ पर हम एन आर टू कर दें, तो ये आपका अमीन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, आगे बात करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की, रुक जाइए, थम जाइए थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास अमाइड, तो अमाइड होता है हमारा सी ओ एन एच टू ग्रुप, ठीक है, जहां पर ये ग्रुप दिख जाए सी ओ एन एच टू, वो है आपका अमाइड। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रो, तो आपको पता होगा आई थिंक, जहां पर आपको एन ओ टू ग्रुप मिल जाए, ये है आपका नाइट्रो कंपाउंड, ठीक। तो बेसिकली मैंने आपको कोशिश करी है यहाँ पर कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हम आगे धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, ठीक, उन फंक्शनल ग्रुप्स के क्या क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर्स होते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा इस पर्टिकुलर टेबल के साथ। चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट टर्म पर, और वो है हमारा होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो आज के क्लास का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक, होमोलोगस सीरीज के बारे में समझेंगे। नाउ व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, नाम से हमें समझ आ रहा है कि ये कोई सीरीज है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जिसमें एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, मतलब उस पूरी सीरीज में आपका एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उन सबकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी सिमिलर हो। सो वी कैन से कि होमोलोगस सीरीज क्या है, अ ग्रुप और अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप फॉर्म्स अ होमोलोगस सीरीज, ठीक है, फॉर्म करती है एक होमोलोगस सीरीज। क्या लिखा है मैंने कि एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर हम कह सकते हैं एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें आपका एक करेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, तो उस पूरे सीरीज ऑफ ग्रुप्स को हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत अभी समझ नहीं आया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, रुकिए एग्जाम्पल के साथ समझेंगे हम, ठीक है।
और उन एग्जाम्पल्स को लिखने से पहले हम इन होमोलोगस सीरीज के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप होमोलोगस सीरीज को और बेटर तरीके से जान सकें। तो लीजिए, आ चुका है आपके सामने सारे पॉइंट्स। चलिए तो फटाफट एक एक करके हम ये पॉइंट्स को समझते हैं, बट इतना सारा थियोरेटिकल समझने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि आपको इजिली ये सारे पॉइंट्स समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्या बोला, पहले बेसिक बेसिक बात समझो। मैंने कहा होमोलोगस सीरीज एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक, जिनमें सब में आपका फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। क्या लिखा है? कंटेनिंग करेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप आपका सेम रहेगा, ठीक, फॉर्म्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो अगर मैं एल्कोहल की बात करूं, ठीक है, जहां पर आपका OH ग्रुप हो, तो मैंने क्या कहा कि पहले हमने लिखा है CH3OH, ठीक है, यहां पर आपके पास एक कार्बन है तो एल्कोहल। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, दो कार्बन लगा दिए, है एल्कोहल। थर्ड में तीन कार्बन, एल्कोहल। फोर कार्बन और है आपका एल्कोहल, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरी एक एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। नेक्स्ट एल्केन्स की बात कर सकते हैं, एक कार्बन, दो, तीन, चार, साफ साफ दिख रहा है, ठीक। एल्केन्स मतलब कार्बन या हाइड्रोजन, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो जहां पर आपका, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां पर आपका COOH ग्रुप हो, ठीक है, जहां पर आपके पास COOH ग्रुप प्रेजेंट हो। तो हमने लिखा है मेथनोइक एसिड, आपको पता है मेथ मतलब एक कार्बन होता है, ठीक है, तो मेथनोइक एसिड मतलब जिसमें एक कार्बन हो, ठीक है। मेथ के बाद आता है एथ मतलब दो कार्बन, फिर आता है प्रोपेनोइक मतलब कि तीन कार्बन होंगे, देन आता है आपका ब्यूटेनोइक मतलब कि चार कार्बन होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि ये पूरी एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है, ये एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज है, ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज है, ओके। अब एक एक पॉइंट यहाँ पर देखते हैं क्या क्या लिखा है और हमें इस एग्जाम्पल के साथ उसको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। सेकेंड पर आते हैं, क्या लिखा है, ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। आगे बात समझ कि जो भी आपका होमोलोगस सीरीज है उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, ठीक है। ये सारे जो आपके पास सीरीज है, होमोलोगस सीरीज है, इनका फंक्शनल ग्रुप सबका एल्कोहल ही है ना, OH है ना, इनका सबका क्या है फंक्शनल ग्रुप, क्या है यहाँ पर, एल्केन्स है भैया, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड सब में, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड सब में क्या है, एसिड है, COOH ग्रुप है, ठीक है, सब में COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, सिमिलर केमिकल फॉर्मूला, कि केमिकल फॉर्मूला जो है ना वो भी सिमिलर ही रहता है, ठीक। सिमिलर कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको पता है कि एल्केन्स को हम कैसे लिखते हैं, CnH2n+2, है ना, CnH2n+2, तो यहाँ पर n अगर 1 है, ठीक है, n अगर 1 है तो ये हो जाएगा C1, ठीक, 2 और n हमारा क्या है 1 ही है, तो 2+2 हो जाएगा 4, ठीक है। तो मतलब कार्बन 1 है और H हमारा 4 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा CH4, राइट। अगर मैं N को यहाँ पर 2 कर दूँ तो हमारा ये आ जाएगा, N को 3 कर दें तो ये आ जाएगा, N को 4 कर दें तो ये आ जाएगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी में केमिकल फॉर्मूला जो होता है ना वो हमारा बराबर ही होता है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं यहाँ के लिए, ओके। तो यहाँ पर भी अल्कोहल में आप देख सकते हो कि भाई कार्बन है हाइड्रोजन है अल्कोहल है, कार्बन हाइड्रोजन अल्कोहल, तो केमिकल फॉर्मूला जो है ना वो हमारा सेम रहा, ठीक, सिमिलर रहा। देन है हमारे पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियस ही बात है, जब सब एल्कोहल हैं तो एल्कोहल की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारे के सारे दिखाएंगे ना, जो भी एल्केन्स की प्रॉपर्टीज होती है वो सब दिखाएंगे, जो भी एक एसिड की प्रॉपर्टी है वो ये सब दिखाएंगे, ठीक है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हैं। फिर लिखा है द सक्सेसिव कंपाउंड्स ऑफ सीरीज डिफर बाय अ CH2 ग्रुप, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा है कि जो होमोलोगस सीरीज है ना उस सीरीज में जो सक्सेसिव कंपाउंड्स हैं, जो अगला आने वाला कंपाउंड है, सक्सेसिव कंपाउंड है, वो डिफर करता है एक CH2 ग्रुप से, ठीक है। उसमें जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस होगा सिर्फ CH2 का, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैंने अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज में सबसे पहले लिखा है CH3OH, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ तो मुझे क्या है। देखो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर दो कार्बन है, एक कार्बन का डिफरेंस, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन थे यहाँ पर 5 हो गए, तो मतलब दो हाइड्रोजन हमने बढ़ा दिए, ठीक। मतलब इन दोनों के बीच में जो सक्सेसिव हमारा मेंबर है होमोलोगस सीरीज का उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज CH2 होता है, ठीक। अब यहां से यहां देख लो, ठीक, एक कार्बन दो हाइड्रोजन बढ़ा, ठीक है, ये भी CH2 से डिफर कर रहा है। अगला देख लो, यहाँ भी आपका ये CH2 से डिफर कर रहा है। तो जो भी सक्सेसिव मेंबर होगा होमोलोगस सीरीज का ऑलवेज वो डिफर करता है CH2 ग्रुप से। आप चाहे इसमें देखिए चाहे आप इसमें देखिए, बिल्कुल बात बराबर है, ठीक है।
नेक्स्ट लिखा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट शो अ ग्रेजुअल ट्रेंड बेस्ड ऑन डिफरेंस इन देयर फॉर्मूलाज. जो भी फॉर्मूला में डिफरेंस आ रहा है ना, जो भी फॉर्मूला में डिफरेंस है कि भाई यहाँ पर एक कार्बन या दो या तीन या चार, तो जो भी हमारा चेंजेस आ रहे हैं या डिफरेंस आ रहे हैं फॉर्मूला में, उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुअल, मतलब हम देखते हैं कि ग्रेजुअल एक ट्रेंड शो करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने का. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एक ग्रेजुअल ट्रेंड दिखाती है सक्सेसिव मेंबर्स में. ठीक, बिकॉज आपका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, CH2 ग्रुप से वो डिफर कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक ग्रेजुअल चेंज आपको दिखेगा. ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि मेंबर्स ऑफ सीरीज आर कॉल्ड होमोलोग्स. ठीक है, तो ये हमारे इस पूरे होमोलोगस सीरीज में अगर एक मेंबर, किसी भी मेंबर की बात करें, तो एक पर्टिकुलर मेंबर को हम कहते हैं होमोलोग. ठीक है, तो किसी भी मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज को हम कहेंगे होमोलोग्स. आई थिंक इतना आपको क्लियर है. तो यहां तक हमने कहानी समझ ली है होमोलोगस सीरीज की भी. ठीक, आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी और अच्छे से समझ में आ गई होंगी. ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने शुरू किया था ना, उसका द एंड होता है. ठीक है, तो जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो बेसिक बेसिक चीजें समझनी थी उतना तो हमने समझ लिया, लेकिन अब हमें थोड़ी बहुत और बातें समझनी है. ठीक, जहां पर आपका एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा GOC. ठीक है, जिसमें हम बाकी कुछ इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. फिर आपको पढ़ना होगा आइसोमेरिज्म. ठीक है, फिर आपको पढ़ना होगा उनका आयोपैक नॉमेनक्लेचर. ठीक, तो जो बेसिक बातें थे वो हम यहाँ पर अभी खत्म करते हैं और अगली क्लास से हमारा एक नेक्स्ट नया चैप्टर शुरू होने वाला है. ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा शुरू करें. ठीक है, क्या हम IUPAC नॉमेनक्लेचर सबसे पहले सेकंड चैप्टर को उठाएं, या फिर मैं GOC से स्टार्ट करूं, या फिर मैं आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करूं. ठीक है, एक बार मुझे प्लीज बताइएगा. तीन टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और GOC. ठीक, मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए कि मैम नेक्स्ट ये वाला स्टार्ट कर दो. ठीक, उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक यू सो मच गायज. और इस चैप्टर में अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैं बार बार कह रही हूँ, कमेंट बॉक्स इज टोटली फॉर यू. ठीक है, टाइप करिए, टाइप करने में कुछ नहीं जाता, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है, आई विल श्योरली सॉल्व दैट प्रॉब्लम. ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय.